हाँ जी, तो अभी तक आप इस शब्द से रूबरू हो चुके होंगे, दैट इज़ फ्लॉक्सिनोक्सिनिहिलिपिलिफिकेशन। तो काफ़ी ट्रेंडिंग में है ये वर्ड, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन किस तरीके से हमने करना है, चलिए इस लेक्चर में जानते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इसका मीनिंग क्या, उस पर नज़र डालते हैं। इसका मतलब होता है समथिंग एट लिटिल वैल्यू, दैट मीन्स कि किसी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है, उसलिए इसको डिफाइन किया जाता है इस वर्ड के साथ में। अब ये देखिए, इसके इटाइमोलॉजी की अगर हम बात करें, तो ये वर्ड का जो शुरुआत है, आपको ओरिजिन कहाँ से देखने को मिलता है, लैटिन वर्ड से। तो लैटिन के चार शब्द हैं, उनको मिला के एक सिंगल यहाँ पे वर्ड जो है इंग्लिश का बनाया गया है, दैट इज़ फ्लॉक्सिनोक्सिनिहिलिपिलिफिकेशन। तो ये वर्ड है फ्लॉक्सिनोक्सिनिहिलिपिली, ठीक है। तो इनसे मिलकर एक सिंगल ये शब्द बनाया, जिसका मतलब होता है एट लिटिल वैल्यू। अब देखिए, इसका प्रोनंसिएशन किस तरीके से करना है। देखिए, आप यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हो, इस पूरे वर्ड को ब्रेक किया गया है, फ्लॉक सी नौ सी नी हेले पिली फी केशन, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो। चलिए, अब अपने वर्ड में, अपने सेंटेंस में इस वर्ड का इस्तेमाल कैसे करोगे आप, देखिए तीन यहाँ पे सेंटेंस मैंने पिक किए हुए हैं। देखिए, पहला सेंटेंस जो है ये बतलाता है एक कॉमिक्स का, कॉमिक्स बुक्स जो होते हैं वो इस सेंटेंस में बतलाने की कोशिश की जा रही है कि कॉमिक्स बुक्स जो है एक टीचर्स के लिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ से जो स्टडी मटेरियल है, एजुकेशनल मटेरियल है, नॉलेज वाली जो बातें हैं इसमें से नहीं निकल के उनको मिलती है। तो इसलिए यहाँ पे कॉमिक्स को आप फ्लॉक्सिनोक्सिनिहिलिपिलिफिकेशन कह सकते हो। कैसे, पूरा सेंटेंस आपके लिए रीड करता हूँ। देखिए, सिंस देयर वाज वेरी लिटिल एजुकेशन डिराइव्ड फ्रॉम कॉमिक्स, टीचर्स रेयरली यूज देम एज ए रीडिंग मटेरियल ड्यू टू दिस फ्लॉक्सिनोक्सिनिहिलिपिलिफिकेशन, ठीक है। तो ये तो एक हो गया पहला। दूसरे सेंटेंस में इसको इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई कूपन है और आपको मालूम है उस कूपन की अब कोई वैल्यू नहीं रह गई है, कोई भी ग्रोसरी स्टोर वाले उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इस केस में आप कैसे इसको सेंटेंस के रूप में लिख सकते हो, ग्रोसरी स्टोर्स वुड नेवर एक्सेप्ट द कूपन, सो आई रियलाइज दिस फ्लॉक्सिनोक्सिनिहिलिपिलिफिकेशन वॉज जस्ट टेकिंग अप माई स्पेस इन माई पर्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। अब देखिए, थर्ड जो सेंटेंस है उस केस में ये बतलाया गया है कि किसी करेंसी की वैल्यू जो है वो कब कम हो जाती है, ठीक है। तो ये लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी कंट्रीज़ में, यहाँ पे मान लीजिए वॉर छिड़ गया है, और लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई साउथ कंट्री है, साउथ कोरिया मान लीजिए या फिर साउथ सूडान मान लीजिए, उनकी हार हो जाती है, तो इस केस में उनकी करेंसी की वैल्यू जो है वो बहुत ही कम हो जाती है। तो इस केस में भी आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हो, व्हेन द साउथ लॉस्ट द सिविल वॉर देयर करेंसी बिकेम ए फ्लॉक्सिनोक्सिनिहिलिपिलिफिकेशन सिंस नो वन कुड स्पेंड इट एनीवेयर, ठीक है। तो इस तरीके से इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में आप इस्तेमाल कर सकते हो। क्या आप कोई नया सेंटेंस इससे बना सकते हो? अगर बना सकते हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, वहाँ पे लिख के बताइए। चलिए, अब हम देखते हैं कि ये जो वर्ड है इंग्लिश का, इतना ये भारी भरकम शब्द जो है, आखिर इंडिया के कंटेक्स्ट में इतना, इंडिया में ये क्यों पॉपुलर हो रहा है? इंडिया में इसलिए पॉपुलर हो रहा है क्योंकि रिसेंटली अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का यहाँ पे मीटिंग हुआ था, और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के एक मेंबर ऑफकोर्स चेतन घाटे जी जो कि गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेटेड मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर हैं, तो उन्होंने इस वर्ड का इस्तेमाल करा। अब देखिए, इन्होंने किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया। इन्होंने कहा, एस्टिमेट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया हैव अनफॉर्चुनेटली बिन सब्जेक्ट टू अ फेयर डिग्री ऑफ फ्लॉक्सिनोक्सिनिहिलिपिलिफिकेशन। तो ये इस कंटेक्स्ट में ये बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि बहुत से ऐसे आपके इकोनॉमिस्ट हैं, उनका कहना है कि कंट्री में रिसेशन आ गया है। बिल्कुल सही बात भी है, लेकिन इसको स्टिम्युलेट करने के लिए भी यहाँ पे बहुत से इनिशिएटिव अभी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा लिया गया। तो यहाँ पे चेतन घाटे साहब का कहना है कि ऐसे बहुत से इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं जो कि कह रहे हैं कि नहीं, जीडीपी आपका बहुत कम हो जाएगा, ग्रोथ रेट बहुत कम हो जाएगा। तो उनके इस एस्टिमेट को इन्होंने क्या कहा है, फ्लॉक्सिनोक्सिनिहिलिपिलिफिकेशन। सो आई होप कि अब ये टर्म आपके लिए क्लियर हो चुका होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।